क्लास 7 बनाकर देखो, 5 5 पेज नंबर 76, सब्जेक्ट मैथ का आज हम लोग समाधान करेंगे। देखिए दिया हुआ है, एक नंबर, नीचे नीचे के दूरी को 10 के सूचना में प्रकाशित करो। देखिए सूर्य से बुध ग्रह की दूरी दिया हुआ है, सूर्य से मंगल और बृहस्पति की दूरी। पहले देखिए सूर्य से मंगल, फिर सूर्य से बृहस्पति का दूरी दिया हुआ है। यह है सूर्य से मंगल का और सूर्य से बृहस्पति का। देखिए इसको बहुत ही साधारण तरीका से हम लोग बनाएंगे। देखिए जैसे पहले पहले है कि सूर्य से बुध की दूरी, सूर्य से बुध ग्रह की दूरी, बुध ग्रह की दूरी। देखिए इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक तो है कि 5 7 9 लिख दीजिए। अब देखिए कितना है, 1 0 2 0 3 0 4 0 और ये 5 0, ये कर लीजिए। ऐसे करके लीजिएगा, उसके बाद गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5। तो क्या आ जाएगा, 5 7 9 इंटू, ये हो गया एक विधि। और एक विधि द्वारा देखिए क्या कीजिएगा आप लोग, ये तो एक विधि द्वारा हो गया एक आंसर, ये कंप्लीट हो गया, ये एक आंसर हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा विधि में क्या हुआ होता है, ये लिख दिए 1 2 3 4 5 0। अब हल करते चलेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, देखिए सबसे सर्वप्रथम हम लोग करेंगे, ये लिख देंगे। अब देखिए 1 2 3 4, एक ये हो गया 5। फिर इसके बाद क्या कीजिए, एक घटा दीजिएगा, 7 9 ये 3 0, फिर इस पे 2 कर दीजिएगा, और फिर ये 9 0 0 क्यों, इस प्रकार कीजिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए आप लोगों को जिस विधि द्वारा आसान लगे उस विधि द्वारा बनाइएगा। देखिए दोनों का आंसर एक ही आएगा, देखिए इसका भी आंसर यही था, इसका भी आंसर यही होगा। तो ये है कि दशमलव वाला भी आएगा तो उसमें भी आप लोग कर सकते हैं, इसमें तो 0 लिखा रहेगा तो वो कर सकिएगा, लेकिन किंतु जब दशमलव वाला रहेगा तो उसमें करने में काफी कठिनाई आएगी। तो ये वाला बहुत ही अच्छा है, दशमलव वाला रहे या कुछ भी रहे तो ये बनाने में बहुत ही सुविधा रहेगा। अब देखिए दूसरा देखते हैं, सूर्य से मंगल की दूरी। अब बोला है सूर्य से मंगल की दूरी, देखिए इसको करेंगे 2 2 7 9। तो इसमें लिख देंगे 2 2 7 9 1 2 3 4 5। तो हम लोग एक शॉर्ट विधि द्वारा बना लिए। अब देखिए दूसरा है सूर्य से बृहस्पति की दूरी, सूर्य से बृहस्पति की दूरी, की दूरी। सेवन सेवन एट थ्री 1 2 3 4 5 0, ये देखिए हो जाएगा ये। तो इसको भी उसी प्रकार करेंगे, 7 7 8 3 2 3 4 5, 7 7 8 3, यही हो गया आंसर। अब देखिए दूसरा सवाल देखेंगे हम, देखिए ख नंबर, खाली घरों को भरो, पृथ्वी एवं चांद की दूरी, ये पृथ्वी और चांद की दूरी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या करेंगे, 6 लिख देंगे खाली, बस हो जाएगा। उसके बाद देखिए शून्य स्थान में प्रकाशित करें, शून्य स्थान में प्रकाशित करना है, तो इसको क्या कीजिएगा, देखिए पहले यहां पे 10 लिख दीजिए। अब देखिए कितना 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यहाँ पे लिख दीजिएगा तो हो जाएगा आप लोग का। देखिए अब देखिए 3 नंबर, नीचे की संख्याओं को सूचक आकार में 10 के घात में प्रकाशित करो। देखिए जैसे कि मैंने सेकंड विधि द्वारा बताया था ना, उसी विधि द्वारा ये होगा, क्योंकि यहां पे बोला है 1 2 3 तक, तो मतलब कि 3 दशमलव तक आप लोग को प्रकाशित करना है, तो 3 संख्या तक प्रकाशित कीजिएगा आप लोग, 3 3 दशमलव तक। तो इसको देखिए पहला नंबर करते हैं, पहले
देखिए इसको भी दो विधि द्वारा बना सकते हैं। एक तो ये देखिए, ये सिंपल विधि है, 9.7 × 8 × 10 कर देंगे। ये दशमलव दे दिए इसलिए 10। देखिए 9.78 × 100। फिर देखिए तीन संख्या तक बोला है तो 0.978, इसको यहां पे 2 लिख देते तो अच्छा रहता। ये 2 यहां पे हो जाएगा 10^3। ये इतना ही लिखने से आंसर हो जाएगा। और देखिए और एक विधि देख लीजिए आप लोग, इसको ऐसे कर लीजिएगा दूसरा में, 9.78 हो गया। और इसको देखिए फिर कैसे हल कीजिएगा, ये करके डायरेक्ट आप लोग 0 लिख दीजिएगा। देखिए तीन संख्या है ना, तो यहां पे दे दीजिए 0.78 और यहां लिख दीजिए 10 × 10 × 10, तो हो जाएगा कितना, 0.978 × 10^3, दोनों का एक ही होगा। उसके देखिए दूसरा नंबर, लेकिन यह तरीका कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। देखिए 1592170, तो पहले बोले थे एक 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 जीरो को लेंगे तो यहां हो जाएगा 1592170×10। उसके बाद देखिए 1592 1, ये हो जाएगा इस पर एक एक कर दीजिएगा, ये हो गया 2। आप देखिए 1592.17, मतलब इस पर 3, इस पर 3। अब देखिए और एक बार कर लेते हैं, तीन तीन दशमलव संख्या के तक बोला है तो 1592.17×10^4, ये इतना करने से ही हो जाएगा। अब देखिए देखिए नीचे नीचे के विस्तार से संख्या को लिखो, विस्तार से संख्या को लिखो। देखिए विस्तार जो है, ये संख्या दिया हुआ है, इसको विस्तार से लिखना है। देखिए आप लोग इस प्रकार लिखिएगा, ये जैसे कि संख्या दिया हुआ है एक नंबर, एक नंबर का आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें 3 है, मतलब ये 3, इस पर 3 0 हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा 3 0, तो ये 3000। फिर ये देखिए 2 0 है, ये ऐसे लिख दीजिएगा, फिर 70 और फिर ये, उसके बाद सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3272, यही हो गया आंसर आप लोग का। इसी प्रकार सब बनाना है। देखिए दो नंबर, +5, तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, ये तीनों को जोड़ देंगे 2035। अब देखिए 3 नंबर, देखिए इसको कीजिएगा 8 1 2 3 4 0 + 1 2 3 0 + 1 2 + 6। अब देखिए सबको जोड़ के लिख दीजिए तो हो जाएगा 8 2 3 0 6, ये हो गया आपका आंसर। देखिए 1 2 3 4 + 5 1 2 3 + 6 1 2 + 7 0। अब इसको देखिए लिख दीजिए तो हो जाएगा 9 5 6 7 0, ये हो गया उत्तर। देखिए 5 का 1 करेंगे हम लोग पहले, देखिए 2^4 क्यों है, प्लस गुने और 3^5 है और 16 है। देखिए 3 × 32, सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, 32 का लॉस ले लेंगे, 32 का तो 16 का इसी में आ जाएगा, 32 देखिए 2 16 हो गया, तो 16 का भी इसी में आ जाएगा, 8 4 1 2 3 4 5, 5 2 हो गया, और इसका 1 2 3 4, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 2^4 क्यों, 3^5 इंटू, और इसका लिख दीजिए
1, 2, 3, 4, ये 5 हो गया। अब 16 का भी कर लेंगे, देखिए 16 का भी कर लेते पहले, तो हो जाएगा 2 पे पावर क्यू इंटू 3 पे पावर 5 इंटू 1, 2, 3, 4। ये देखिए 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5। अब देखिए 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 4 बाय 3 इंटू 2 पे पावर क्यू। अब देखिए इतना जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए आप, देखिए 2, 4 और 3, 7 इंटू और ये 3 इंटू 2 पे पावर 3। अब घटा दीजिए 2 पे पावर 7 इंटू 3, 1, 2, 3, 4, 5 होगा, सॉरी यहाँ पे 5 कर दीजिएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, तो इसमें 5 इंटू 3 पावर 1। अब देखिए क्या हो जाएगा आंसर, 2, 2 और 3, 4, यही हो जाएगा आप लोग का ये हो गया आप लोग का आंसर। देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे, 2 का पावर मिलाना है, तो यहां जाएगा 2 पे 2 और ये देखिए 3 पे 2 इंटू 3 पे 2, मतलब अब देखिए 3, 3 दुना 6, 3 3 9, 9 दुना 18, 18 पावर 2, ये होगा आपका पूरा पूरी आंसर। तो इस प्रकार आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार दिया हुआ है, इसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए 6, तो ये 3 दुने 6 इंटू 6 पे पावर 4 और नीचे लिख दीजिए 6 पे पावर 7। अब देखिए ये जोड़ देंगे 6 प्लस 4 बाय 6 पे पावर 7। अब कर दीजिए तो 10 तो हो जाएगा, 10 में से 3 घटा 7 घटा देंगे तो 10 पे पावर 6 पे पावर 3, ये हो गया आपका आंसर। देखिए 3 इंटू 7 पावर 2 0। अब देखिए नीचे देखिए 3 × 7 × 7 ये देखिए, अब हो जाएगा ये 3 × 7 पे पावर 2 11 पावर 0 और ये नीचे हो जाएगा 3 × 7 पावर 2। देखिए ये घटा देंगे 0 × 1 = 1, 7 × 2 = 2 और ये 11 पावर 0 है, तो ये हो जाएगा क्या, ये देखिए 3 पावर 0, 7 पे पावर 0 तो 1 × 1 × 1 तो बराबर 1 आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर देखते हैं, देखिए देखिए इसमें तोड़ना नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकाल देना है, तो 4 1 तो क्या हो जाएगा इसका 0 1 b तो हो जाएगा AQB आंसर हो जाएगा आप लोग का ये। अब देखिए 5 नंबर, देखिए इसका 1 + 1 × 1 2 × 1 तो मतलब 2 आंसर। अब देखिए
आखिरी नंबर है 6 नंबर, 2 पे पावर 8 इंटू एक्स पावर 7 बाय 4 पे पावर 3 इंटू एक्स पावर 3। देखिए इसमें 4 है, 4 को 2 में बदलना होगा, 2 8 एक्स पावर 7, 2 इंटू 2 3 एक्स पावर 3, तो क्या हो जाएगा 2 8 इंटू एक्स पावर 3 एक्स पावर 7 बाय 4 2 3 2 पे पावर 3 इंटू एक्स पावर 3। अब देखिए 2 पे पावर 8 इंटू एक्स पावर 7, तो 2 3 प्लस 3 इंटू एक्स पावर 3, 2 पे पावर 8 इंटू एक्स 7, ये 2 पे 6, तो हो जाएगा 2 8 माइनस 6 इंटू 3, तो हो जाएगा कितना 2 पे पावर 2 इंटू एक्स पावर 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, 2x 2 और ये 2। इस प्रकार हम लोग का समाधान हो गया। देखिए इस प्रकार हम लोगों ने पूरा समाधान कर लिया। इसके जितने भी आगे भाग है 5.4 5.371 जो भी है सारा मैंने हल कर दिया है, तो वो भी अगर आप लोग नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा।